हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज है डे दे थर्टी सिक्स डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है सोकोट्राइन अलोएज आर कल्टीवेटेड फ्रॉम स्पीसीज तो किस स्पीसी से सोकोट्राइन अलोइज कल्टिवेट किए जाते हैं तो सोकोट्राइन अलोइज अलोए पैराइ स्पीसीज से कल्टिवेट होते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ अलोए स्पाइकाटा एंड ऑप्शन बी अलोए फेरोक्स तो ये दोनों स्पीसीज से जो अलोएस कल्टीवेट की जाती है वो अलोए है केप अलोएस एंड जो अलोए वारवाडें स्पीसीज़ है अलोए वारवाडें स्पीसीज से कुराकाओ अलोए जो है वो कल्टीवेट होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ डिजिटेलिस लीव्सेज तो डिजिटेलिस लीव्स का कलर कैसा होता है तो डिजिटेलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है इट इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड इसके जो लीव्स होते हैं लीव्स का कलर डार्क ग्रेइश ग्रीन होता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसके अलावा डिजिटेलिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो डिजिटेलिस एक तो कार्डियोगलाइकोसाइड है एंड इसका सिनेनम है इसको फोक्स ग्लोब भी कहा जाता है फोक्स ग्लोब इसका सिनेनम है एंड uh, डिजिटेलिस uh, जो है वो ऑप्टेन होता है ड्राइड लीप से ऑफ डिजिटेलिस पुरपुरिया डिजिटेलिस पुरपुरिया के ड्राइड लीप से ऑप्टेन होता है एंड uh, इसकी फैमिली है स्क्रोफुला स्क्रोफुला रियासी ये इसकी फैमिली है एंड इसके ही ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इसके जो लीव्स होते हैं उसको किस टेम्परेचर पे ड्राई किया जाता है तो डिजिटलिस लीव्स को ड्राई किया जाता है लेस देन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इसको ड्राई किया जाता है एंड अगर इसके मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो मॉइस्चर कंटेंट इसका फाइव परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉट मोर देन फाइव परसेंट इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो ये सारे ही इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पी एच द अमाइनो एसिड इज तो अमाइनो एसिड डिफरेंट पी एच पे डिफरेंट फॉर्म में रहता है तो अगर एसिडिक पीएच की बात करें तो एसिडिक पीएच एच मीन्स यहाँ पर सोल्यूशन की बात हो रही है अगर सोल्यूशन का एसिड पी जो है वो एसिडिक होगा मीन्स सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो कैटाइनिक फॉर्म में रहेगा हमारा अमाइनो एसिड तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन अगर बात करूँ मैं बेसिक पी की तो बेसिक पी पे बेसिक पी पे अमाइनो एसिड एनाइनिक फॉर्म में रहेगा एंड अगर बात करूँ न्यूट्रल पी पे न्यूट्रल पी या फिर पी एच सेवन बोलेंगे जिसको या फिर फिजियोलॉजिकल पी भी कहा जाता है तो फिजियोलॉजिकल पी पे जो अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आइनिक फॉर्म में रहता है मींस जो हमारा अमाइनो एसिड है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उस पर दोनों ही रहते हैं तो नेट चार्ज ज्विटराइनिक फॉर्म में जीरो होता है तो न्यूट्रल पीएच पे आ जाएगा ज्विटराइनिक फॉर्म बेसिक पीएच पे अनाइनिक फॉर्म एंड एसिडिक पीएच पे कैटाइनिक फॉर्म देन नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बाई कार्बोनेट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल तो प्रॉक्सिमल कॉन्विटेटेड टिब्यूल में कितने परसेंट बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसमें अराउंड नाइन्टी परसेंट बाई कार्बोनेट जो है वो रीऑब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज एटी फाइव टू नाइनटी परसेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डैश इज कम्पेयर तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस कंपेयर की जाती है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इसके अलावा लिमिट टेस्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है बात करूँ मैं सल्फेट के लिमिट टेस्ट की तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में सुपर सेचुरेशन हो जाती है तो उस सुपर सेचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में सुपर सेचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल देन इसी में सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है तो रिएजेंट होता है बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज बेरियम सल्फेट देन अनदर क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट के ऊपर ही कि आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए आयरन के लिमिट टेस्ट में इंटरफेरेंस होती है एक मेटल कैटाइन की तो उस इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है तो आयरन के लिमिट टेस्ट में मेटल कैटाइन की इंटरफेरेंस को अदर मेटल कैटाइंस की इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है देन अगर मैं बात करूँ लेड के लिमिट टेस्ट के ऊपर लेड का लिमिटेस्ट ऑफ लिमिट लेड टेस्ट तो लेड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट जो यूज होता है वो है डाई थायाजोन इट इज़ डाई तो ये जो भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ देन इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के ऊपर कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है तो इसमें गुर्टजाइट मेथड जो है वो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गुर्टजाइट टेस्ट यूज किया जाता है देन देन आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में ही स्टेन पेपर एक यूज होता है पर कौन है स्टेन पेपर इन आर्सेनिक लिमिट लिमिटेस्ट में लिमिट लिमिटेस्ट में स्टेन पेपर यूज होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर तो ये आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो स्टेन पेपर यूज होता है वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हैवी मेटल्स के लिमिट कितनी होती है यूजर लिमिट ऑफ हैवी मेटल्स तो हैवी मेटल्स की यूजर लिमिट ट्वेंटी पार्ट्स पर मिलियन हैवी मेटल्स की यूजर लिमिट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि लिमिट के रिलेटेड थे एंड काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पेनोइड फेनकोन हैज फॉलोइंग रिंग सिस्टम तो एक टर्पेनोइड है फेनकोन उसमें किस टाइप की रिंग सिस्टम प्रेजेंट होती है तो पहले बात करें फेनकोन की तो फेनकोन एक मोनो टर्पेनोइड है एंड एक कीटोन है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है तो इसमें एक रिंग तो ये आ गई पूरी वाली एंड एक रिंग आ जाती है ये वाली तो एक तो आ गई इसकी सिक्स मेंबर की रिंग एंड दूसरी है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मेंबर रिंग है दूसरी तो इसमें एक सिक्स मेंबर रिंग होती है एंड एक फाइव मेंबर रिंग तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा कि टर्पेनोइड फेनकोन हैज वन सिक्स मेंबर रिंग एंड वन फाइव मेंबर रिंग तो जो भी हमारे टर्पिनोइड्स होते हैं टर्पिनोइड्स तो टर्पिनोइड्स एक बेसिक यूनिट से बने होते हैं जो होती है आइसोप्रिन यूनिट आइसोप्रिन यूनिट का फॉर्मूला होता है सी फाइव एच एट ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट क्या है टर्पेनोइड की तो वो है आइसोप्रिन यूनिट एंड जो भी आइसोप्रिन यूनिट्स होती हैं टर्पेनोइड्स को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट टर्पेनोइड्स को वो हेड टू टेल पोर्शन में जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के मोनो टर्पेनोइड्स हैं मीन्स उनको डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया जाता है उसमें एक आ जाता है मोनो टर्पेनोइड तो मोनो टर्पेनोइड का फार्मूला होता है सी टेन एच सिक्सटीन एंड इसमें दो टू आइसोप्रिन यूनिट्स होती हैं देन सेस्क्यू टर्पिन का फॉर्मूला होता है सी फिफ्टीन एच ट्वेंटी फोर इसमें तीन आइसोप्रीन यूनिट होती हैं देन आता है डाई टर्पिनोइड में फार्मूला होता है सी ट्वेंटी एच थर्टी टू फोर आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं देन सेस टर्पेनोइड का फार्मूला है सी ट्वेंटी फाइव एच फोर्टी जिसमें की फाइव आइसोप्रेन यूनिट्स होती हैं देन आता है ट्राई टर्पिनोइड ट्राई टर्पिनोइड का फॉर्मूला है सी थर्टी एच फोर्टी एट एंड इसमें जो आइसोप्रेन यूनिट का नंबर है वो है सिक्स देन अदर क्लासिफिकेशन है इसकी टेट्रा टर्पिनोइड तो टेट्रा टर्पिन में फॉर्मूला है सी फोर्टी एच सिक्सटी फोर एंड इसमें नंबर ऑफ आई यूनिट होती हैं एट देन लास्ट आता है पोली तो पोली में मोर देन एट आई यूनिट्स होती हैं एंड uh, इसका फार्मूला मीन्स इसमें मोर देन एट आई यूनिट होंगी तो इसका फार्मूला सी फाइव एच एट एंड होल इन टू एन आ जाता है सी फाइव एच एट होल इन टू एन एन की वैल्यू जो है वो मोर देन एट होगी नाइन टेन इलेवन हो सकती है तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डाइट पिनोइड्स में कितनी नंबर ऑफ आई यूनिट है इस टाइप के क्वेश्चन पिनोइड से पूछे जाते है। next हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टाइरोसिन इन बॉडी इज तो बॉडी में टाइरोसिन का क्या रोल होता है तो टाइरोसिन एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है इट इज़ अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड बॉडी जो है वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड को एक दूसरे अमाइनो एसिड से बनाती है एंड वो दूसरा अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन से बॉडी के अंदर ही टाइरोसिन की फॉर्मेशन होती है एंड ये जो भी नर्व इम्पल्सिस हैं उनको ट्रांजिट करने में हेल्प करता है बॉडी में तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटिंग एडेमा इज करेक्टिक फीचर ऑफ तो पिटिंग एडेमा किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है तो पहले बात करूँ पिटिंग एडेमा की कि पिटिंग एडेमा होता क्या है तो पिटिंग एडेमा तब कोज होता है जब हमारी बॉडी में जो फ्लूड है वो एक्सेस में बनना शुरू हो जाता है ठीक है फ्लूड जो है वो हमारी बॉडी में बॉडी को फॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है एंड जब भी हम अपनी बॉडी को प्रेस करते हैं तो जो भी स्वॉलन एरिया है उस पर एक पिट बन जाता है जो कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है लेकिन मींस ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो हमारी बॉडी में बल्क बन रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से बन रहा है ठीक है या बॉडी फ्लूड से बन रहा है जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो पूरी डेवलप नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी तो जब भी हम अपनी स्किन के ऊपर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक स्वॉलन सा एरिया बन जाएगा एक पिट बन जाएगा खड्डा सा एंड वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा एंड पिटिंग एडेमा जो है वो ये कंडीशन पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है बट यूजली ये लेग्स फीट्स एंड एंकल्स में होती है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए दैट इज पिटिंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज तो अगार एक पॉलीसेक्राइड है पॉलीसेक्राइड में भी एक हेट्रोपोलीसेक्राइड है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो अगार बेसिकली दो डिफरेंट पोलिसक्राइड से बन मिलके बनता है दो पोलीसेक्राइड से एंड वो दो डिफरेंट पोलिसक्राइड हैं एक है हमारा अगारोस एंड दूसरा है एगारोपेक्टिन एंड इसके फंक्शन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि जो तो अगारोस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अगार की जेल स्ट्रेंथ के लिए एंड एगारोपेक्टिन जो है वो बेसिकली अगार सोल्यूशन में बिस्कॉसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिस्कॉसिटी के लिए तो अगारोस जेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड ये बिस्कॉसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का सेचुरेटिड फैटी एसिड अरेकेटिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम तो जो सेचुरेटिड फैटी एसिड है हमारा अरेकेटिक एसिड उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली ट्वेंटी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं रैकेटिक एसिड में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है इस पोजीशन पे, OH पे ओ एच ग्रुप एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ तो बेसिकली अगर आप चार डब्ल्यू बना देंगे तो वो आपका अरेकेटिक एसिड बन जाएगा विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स एंड एक पोजीशन पे सी ओ ओ एच ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे ये एक नंबर तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एंड सत्रह योग सत्रह अठारह उन्नीस एंड बीस इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू दो डब्ल्यू एंड यहाँ पे तीन एंड यहाँ पे ये चार तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली इसमें पांच डब्ल्यू आएंगे जैसे यहां से एक हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया चार एंड ये हो गया पांच तो इस वीडियो में बस इतने ही यहाँ पे टेन क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच